तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल और सलाम। दोस्तों ये खूबसूरत सुबह और हम लोग हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। जी हाँ, हम लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है वो गेटवे माना जाता है और उसी गेटवे पे हम लोग आ गए हैं और इस सुबह हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले कामाख्या माता टेम्पल का दर्शन करने। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है यहाँ पर, ये गेट है जहाँ से आप इंट्री करेंगे और इस गेट से जो टेम्पल है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। तो वो डिस्टेंस हम लोग अपनी ब्लू डेविल और ऑरेंज केटीएम से कवर करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। हम लोग का प्लान था कि सुबह 3 बजे जो है वो हम लोग उठेंगे और 4 बजे तक टेंपल पहुँच जाएंगे नहा धो के, लेकिन भाई पहले 3 बजे नींद खुली, फिर ये हुआ कि नहीं थोड़ा और 1 घंटे सो लेते हैं, फिर वो बज गया 5 और 5 बजे उठे तो पता चला होटल में जो है पानी नहीं आ रहा, गलती से ऊपर से जो है वो पानी बंद कर दिया गया था। वो सब कुछ करते कराते हम लोग लगे 7 बजे और अभी बज रहे हैं 7:20। 10 मिनट में हम लोग टेंपल गेट पे होंगे। जैसा लेट हो गया ऐसा लग रहा कि VIP पास लेना पड़ेगा। VIP पास को वहाँ पे बोलते हैं स्पेशल टिकट। नॉर्मली आप जा रहे हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन अगर आप VIP टिकट लेके जा रहे हो तो आपको 501 रुपये वहाँ पे करना पड़ेगा। तो बहुत भीड़ होती है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले देखेंगे नॉर्मली वाले में कितनी भीड़ है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो हम लोग लेंगे VIP टिकट। अभी हम लोग टेंपल के कैंपस में आ गए और जो एंट्री गेट बना था वहाँ से ठीक 2.9 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको टेंपल मिल जाएगा और यहाँ जो है आप गाड़ी पार करके आगे जा सकते हैं। और रास्ते की जो चढ़ाई थी बहुत ही स्टीप इंक्लाइन चढ़ाई थी और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, बिल्कुल ज़बरदस्त और बढ़िया वाला। ये जो मेरे पीछे गेट दिख रहा है, यहाँ से आप जूता चप्पल निकाल के आपको अंदर जाना पड़ेगा। रास्ते में बहुत सारी जो है वो प्रसाद की शॉप है, वहाँ पे अपना जूता चप्पल रख सकते हैं या फिर ये स्टेयर चढ़ने से पहले आपको मंदिर की तरफ से लॉकर दिया गया है, वहाँ पे आपको टोकन लीजिए और फ्री में लग सकते हैं, जो आपको पैसे दान करने हैं वो दे सकते हैं। बैग के लिए वहाँ पे रखने का प्लेस नहीं है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस सीढ़ी से जा ही नहीं सकते, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। बाबा जी प्रणाम। अरे यार, तो प्राइवेटली अभी यहाँ पे हम लोग अपना बैग जो है रखते हैं, 10 रुपये बैग रखने का है और फिर गेट से हम लोग एंट्री करेंगे। सो, जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे कुछ इस तरह का ज़बरदस्त नज़ारा मिलेगा आपको। एक मंदिर बहुत ही पुराना और दो इसके सुरक्षा गार्ड। अभी हम लोग आ गए कामाख्या टेंपल के अंदर और ये मेरे पीछे जो खूबसूरत आप टेंपल दिख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ जो गोल्डन वाला ये चढ़ाया गया पर चढ़ाया गया वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक फव्वारा है, वहाँ भी चलते हैं और थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है वो कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो जहाँ से कैमरा नहीं अलाउड होगा वहाँ हम लोग कैमरा कर देंगे बंद और उसके बाद बाहर आके हम लोग बात करेंगे। अगर भाई बात किया जाए कामाख्या मंदिर में भीड़ की तो पूछो मत। सबसे पहले तो हम जब गए तो जनरल वाली लाइन ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, खैर किसी तरह से पीछे जाके खड़े हुए और उसके बाद जो धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ी। लेकिन ये है कि एक बार जब वहाँ उस प्लेस तक चले जाते हैं जहाँ आपका फ़ोटो लिया जाता है, आपका डिटेल नोट किया जाता है, फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट किया जाता है, उसके बाद एक स्लिप आपको दे देते हैं, बार कोड स्कैन करके एक स्लिप आपको दे देंगे। उसके बाद आपको वेटिंग हॉल में जाने को मिलेगा। वेटिंग हॉल में ABC करके बना हुआ है, जब भीड़ होती है तो पहले ए वाले को बैठाते हैं, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, और यहाँ से असली वाली लाइन शुरू होती है मेन मंदिर जाने का। वो भी 2-3 घंटे का सफ़र है। पहले हम लोग जो है वो बी वाले में बैठने को मिला था, 1 से 1.5 घंटा हम लोग को वहीं वेटिंग हॉल में ही बैठना पड़ा। खैर एक बार जब मंदिर
में एंट्री कर जाते हो ना तो काफ़ी अच्छे से दर्शन कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने इतनी मेहनत करके वहाँ पे पहुँचे हैं तो वैसे ही धक्का मुक्की करके जल्दी से आपको बाहर निकाल दिया, पूरा आपको टाइम दिया जाता, वो एक अच्छी बात है। माता को बलि दी जाती है, वो जगह बना हुआ है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और अच्छा भी नहीं लगेगा। वो इसके अलावा काफ़ी लोगों ने बताया कि भाई वहाँ पे जाओगे तो बंदर जो है प्रसाद बहुत छीनते हैं, तो मुझे पहला भी ये आइडिया था, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं ये ध्यान से मेरे उधर गया, एक हाथ में प्रसाद और एक हाथ में मैं कैमरा लेके वीडियो बना रहा था, तब तक बंदर जो है वो प्रसाद लेके पूरा का पूरा मेरा भाग गया। तो वो आप अवेयर रहिए, ये थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि माता को चढ़ाने से पहले ही प्रसाद आपको बंदर आपको प्रसाद जो है वो बंदर न उठा ले जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात किया जाए कामाख्या देवी टेम्पल की हिस्ट्री की, इतिहास की, तो बहुत पहले राजा दक्ष थे, इनको दक्ष प्रजापति कहते हैं, उनकी सुपुत्री थी माता सती। उनका जब भगवान शंकर के साथ विवाह होने वाला था तो दक्ष ने बहुत उनकी जो है वो बेइज्जती की कि भाई ये कैसा आदमी है, ढंग से रहता नहीं है, कपड़े ढंग से नहीं पहनता है, मतलब बहुत सारी जब उनकी बेइज्जती की तो माता सती को बहुत दुख हुआ कि मेरे घर पर आके भगवान शिव की इतनी बेइज्जती हो रही है, मेरे पति की इतनी बेइज्जती हो रही, तो वो जो है अपना शरीर त्याग कर देती हैं। ऐसे में भगवान शिव को बहुत क्रोध आता है और वो जो है वहाँ पे दक्ष प्रजापति को मारकर भगवान ने माता सती का जो शरीर है उसको लेकर पूरा तांडव करने लगे तीनों लोक में। तो तीनों लोक में हाहाकार मच गया, सभी देवी देवता परेशान हो गए कि ऐसे तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो भगवान ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने मिल के जो है ये सोचा कि किसी तरह इनको रोकना पड़ेगा। फिर भगवान विष्णु ने जो है माता सती जो मृत शरीर था उसके 51 टुकड़े किए, जो पृथ्वी पे जगह जगह गिरे, और जहाँ जहाँ वो गिरे उन्हें बोला गया शक्तिपीठ, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है वो है कामाख्या, क्योंकि यहाँ पर माता की योनि गिरी थी जहाँ से पूरे की पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये सबसे महाशक्तिपीठ होती है, इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है, यहाँ तांत्रिक लोगों का सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पे काफ़ी रहस्य हैं उनसे जुड़े। तो यहाँ पर पशुओं की भी बलि दी जाती है, जो बलि स्थान है वहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर जब आएंगे ना तो एक अजीब सा आपको पावर का और एक डिवाइंस का अनुभूति होगी यहाँ पे। और मेरे प्रसाद के पीछे भाई बंदर लोग घात लगा के बैठे हैं, जैसे ही मेरे हाथ ढीले पड़े या थोड़ा सा लंबा खींचा तो ये प्रसाद लेके भाग जाएंगे। जैसे ही आप इस मेन गेट से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो मेन गर्भगृह है आपको बाहर से वो दिख जाएगा। अब इस गर्भगृह के अंदर माँ के दर्शन करने के लिए आपको पहुँचने के लिए दो तरीका है, या तो आप VIP टिकट लें जिसको स्पेशल टिकट बोलते हैं वो आपको यहाँ से मिलेगा, और या फिर इधर जनरल कतार है, जनरल क्यू की लाइन है, यहाँ कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है, आप उस लाइन में लग जाइए और धीरे 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 करके आपको घूम फिर के इस गर्भगृह के अंदर आने को मिलेगा और माँ के दर्शन करने को मिलेगा। कतार बहुत लंबी होती है क्योंकि हम लोग लगभग 8 बजे जो है सुबह यहाँ पर आ गए थे, और अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:57, मतलब कि अभी बजने वाले हैं 3, तो लगभग 7 घंटे हम लोग को दर्शन करने में लग गए। यहाँ पे आपको मेन गेट से लेफ्ट साइड में इधर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, और इधर राइट में आपको गेस्ट हाउस, और इधर लेफ्ट में आपको गेस्ट हाउस और राइट में आपको वॉशरूम मिल जाएगा, टॉयलेट मिल जाएगा, और ठीक सामने जो है वो वेटिंग हॉल है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मुख्य गर्भगृह, और ये पूरा का पूरा जो कामाख्या टेम्पल है ये नीलाचल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है, और भाई इस गर्भगृह के अंदर पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबी लाइन से गुजरना पड़ता है। सुबह 8 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे और अभी शाम के 3 बज गए, 7 घंटे लगे हम लोग को जनरल क्यू से वहाँ पर पहुँचने के लिए, जनरल क्यू, और वो भी मतलब अभी भीड़ कम थी, नवरात्र में तो बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ सुबह से लेकर रात हो जाता है। और अगर आप स्पेशल टिकट के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो आपको 501 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो काम आपका आधे से 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन जनरल क्यू के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो
अंदर गर्भगृह पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, बहुत ही आपको सुकून मिलेगा। बहुत ही होलिस्टिक प्लेस है, पुरानी जगह है, शक्ति पीठ है, और 51 जिसको बोलते हैं क्यामना शक्ति पीठ, सबसे जो पावरफुल माना जाता है वो यहाँ पे है। और ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी जगह, क्योंकि जितना भी तंत्र का ये जो भी ये काम धाम करते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में यहाँ पे पशुओं की बलि भी दी जाती है। तो इसके गर्भगृह के जस्ट पीछे 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 है, जहाँ बलि दी के जो है वो माता जी को चढ़ाया जाता है। हाँ भाई रख, जब आप गेट से नीचे उतरेंगे तो जस्ट नीचे जो है आपको भंडारे के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे लिखा हुआ ओपन। और यहाँ पे शूज़ नहीं निकालना है, लेकिन कुछ लोग निकाल देते हैं। पीछे आप जो है शूज़ निकाल के भंडारे में एक टोकन लेके जा सकते हैं, उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अंदर खिचड़ी, सब्जी, खीर और पापड़ आपको मिलेगा, और अपनी थाली आपको खुद धोना पड़ेगा। नहीं धुलना चाहते कोई बात नहीं, और अगर कुछ दान करना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं। और कामाख्या मंदिर घूमने के बाद अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर देखना चाहते हैं, उसका कोर्स देखना चाहते हैं, तो जस्ट आप जैसे गेट से बाहर निकलिए, आप ले लो लेफ्ट टर्न, और लगभग 3 किलोमीटर आप आओ, ब्रिज से जैसे नीचे उतरोगे आप के लेफ्ट साइड में बड़ा सा एक पार्किंग एरिया मिलेगी। वहाँ बहुत सारी बोट आपको दिखेगी, हाउस बोट दिखेगी, और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको ब्रह्मपुत्र रिवर का। और यहीं से आप बोट बुक कर सकते हो उमानंदा टेम्पल के लिए। लेकिन भाई कामाख्या मंदिर में इतना मतलब आप रम जाते हो ना, कि एक ही दिन में दोनों कवर करना नियरली इम्पॉसिबल है। या फिर आप फटाफट करो तो बात अलग है, लेकिन अगर अच्छे से आप घूम रहे हैं, कामाख्या टेम्पल घूम रहे हैं, तो आपका इवनिंग हो जाएगी, और यहाँ से फिर उमानंदा टेम्पल जाने का जो है बोट वो बंद हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो कि आप कामाख्या टेम्पल घूमो, और कामाख्या टेम्पल घूमने के बाद आप आ जाओ ब्रह्मपुत्र रिवर के कोस्ट पे, और यहाँ का मस्त ज़बरदस्त और भरपूर नज़ारा लो। पूरा आप टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा।